आकाशवाणी खबरां विकास शर्मा कोला। लोकसभा चुनाएं दे चौथे चरण लई मतदान संपन्न। इस गेड़ लई बख-बख हलकें च दरमियाने दर्जे दा मतदान होआ। संझा 5 बजे तक्कर कुल मलाइयै 62% थमां मता मतदान होने दी जानकारी सामने आई। लोकसभा चुनाएं दे बकाया गेड़ लई चुनाव प्रचार च सरगर्मी आई। केंद्रीय मंत्री ते भारतीय जनता पार्टी दे लीडर अनुराग सिंह ठाकुर होरें अज्ज हिमाचल प्रदेश च हमीरपुर संसदी हल्के थमां अपना नामांकन दाखल कीता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें कांग्रेस उप्पर दोष लाया जे उन्न कदें भी विकास आली बक्खी ध्यान नहीं दिता ते सदा गै अपने वोट जोड़ने लई तुष्टीकरण आली नीति अपनाई रखी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं ते 12वीं जमात दे इम्तिहान दे नतीजे जारी कीते। कुड़ियें जागतें दे मुकाबले खरा प्रदर्शन कीता। प्रधानमंत्री मोदी होरें पास होने आले विद्यार्थियें गी मुबारक दित्ती। हुण खबरां तफसील कन्ने। लोकसभा चुनाएं दे चौथे गेड़ तैहत अज्ज वोट पाए गए। इस गेड़ तैहत दरमियाने दर्जे दा मतदान दर्ज कीता गया है। 9 राज्यें ते 1 केंद्र शासित प्रदेश दे 96 हल्कें च वोट पाए गए। इंदे च आंध्र प्रदेश दियां 25 सीटां, तेलंगाना दियां 17, उत्तर प्रदेश दियां 13, महाराष्ट्र दियां 11, मध्य प्रदेश ते पश्चिम बंगाल दियां 8-8 सीटां, बिहार दी 5 ते झारखंड ते ओडिशा दियां 4-4 सीटां शामल न। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दी 1 सीट आस्ते अज्ज मतदान होआ। मतदान बडले 7 बजे शुरू होआ ते संझा 6 बजे संपन्न होआ। आकाशवाणी संवाददाताएं वख-वख मतदान केंद्रें दा दौरा लाया जित्थे खरी मती गिनतरी च लोक मौजूद हे ते वोट पाने लई अपनी बारी गी बलगा करदे हे। युवाएं ते महिलाएं मतदाताएं च खास तौरा पर बड़ा मता जोश दिखने गी लब्बा। इस गेड़ च कुल 1717 मेदवार चुनाव मैदान च न। मुक्ख मेदवारें जिंदे सियासी भागे दा फैसला अज्ज EVM च कैद होई गया, उंदे च केंद्रीय मंत्री ते भाजपा नेता गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, जी किशन रेड्डी, अजय कुमार मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड दे राजीव रंजन सिंह, समाजवादी पार्टी दे अखिलेश यादव, कांग्रेस दे अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस दी महुआ मोइत्रा ते शत्रुघ्न सिन्हा ते AIMIM दे ओबेसी शामल न। कुल 19 लाख मतदान कर्मी तैनात कीते गेदे न ते मुल्ख भरे च 1,92,000 मतदान केन्द्र कायम कीते गेदे हे। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया गी सुचारू ढंगा कन्ने करवाने लई सारे इंतजाम कीते दे हे। पिछले 3 गेड़ तैहत मतदान सुचारू ढंगा सिर संपन्न होआ। 20 राज्यें ते केन्द्र शासित प्रदेशें दे 283 संसदीय हल्कें च वोट पाए गए हे। आंध्र प्रदेश दी 175 विधानसभा सीटें ते ओडिशा दी 28 विधानसभा सीटें उप्पर भी अज्ज मतदान होआ। लोकसभा चुनाएं दे बकाया 3 गेड़ें लई प्रचार जोरें शोरें पर ऐ। सीनियर सियासी लीडर अपनी पार्टियें लई समर्थन हासल करने लई राज्यें च जनसभा ते रोड शो करा करदे न। प्रधानमंत्री ते बीजेपी दे सीनियर लीडर नरेन्द्र मोदी होरें अज्ज संझा उत्तर प्रदेश दी वाराणसी च इक बड़ा रोड शो कीता। श्री मोदी उन्दे कन्ने उत्तर प्रदेश दे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हे।
प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी लोकसभा सीट थमां मौजूदा संसदीय सदस्य दे कन्नो कन्नी मेदवार न। ओह कल इस विधानसभा क्षेत्र थमां अपना नामांकन पत्र दाखल करंगन। 6 किलोमीटर लम्मे इस रोड शो च हिस्सा लैने लई वाराणसी च लोक बड़ी मती गिनतरी च किट्ठे होए दे हे। उनें पंडित मदन मोहन मालवीय उन्दी मूरत गी भी श्रद्धांजलि दित्ती। इस थमां पहले दिनें प्रधानमंत्री मोदी होरें बिहार दे हाजीपुर, मुजफ्फरपुर ते सारण च रैलियें गी संबोधित कीता। उनें राज्य दे लोकें गी आखेआ जे ओह मुल्खे दे विकास लई वोट पान। उनें आखेआ जे एनडीए सरकार तैहत भारत दी अर्थव्यवस्था च वाधा दर्ज होआ करदा ऐ ते रोजगार दे होर मते मौके पैदा कीते जा करदे न। उनें आरजेडी ते कांग्रेस उप्पर दोष लाया जे ओह तुष्टीकरण गी सियासत च सब्भनें थमां बड्डा हथियार बनांदे न। उनें इब्बी दोष लाया जे दौं पार्टियां लोकें दी भलाई बेहतरी लई कदें भी कम्म नेईं करंगन की जे ओह अपनी अगली पीढ़ी आस्तै दौलत किट्ठी करने च मस्त न। श्री मोदी होरें अज्ज बड़ले पटना सिटी च तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहब दा दौरा कीता। कांग्रेस सीनियर लीडर राहुल गांधी होरें उत्तर प्रदेश दे रायबरेली च जनसभा गी संबोधित कीता। उनें वायदा कीता जेकर केन्द्र च कांग्रेस आली INDI गठबंधन सत्ता च आई जंदी ऐ तां उन्दा पहला कम्म गरीब करसाने दे कर्ज माफ करना होग। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा होरें राज्य दे अमेठी च जनसभा कीती। भाजपा दे सीनियर लीडर अमित शाह होरें महाराष्ट्र दे दूले च रैली कीती। उनें आखेआ जेकर नरेन्द्र मोदी उन्दी अगुवाई आली एनडीए सरकार गी सत्ता च वापस बने रौहने लई वोट कीता जंदा ऐ तां भारत त्री बड़ी अर्थव्यवस्था बनी जाग। लोकसभा चुनाएं दे चौथे गेड़ दे मतदान दौरान अज्ज संझा 5 बजे तक्कर कुल मिलाइयै 62% थमां मता मतदान दर्ज कीता गया। पच्छम बंगाल च 76%, मध्य प्रदेश ते आंध्र प्रदेश च 68% थमां मता मतदान, झारखंड च 63%, ओडिशा च तकरीबन 63%, उत्तर प्रदेश च 56%, बिहार च 54%, महाराष्ट्र च 52% ते केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च तकरीबन 36% मतदान दर्ज कीता गया है ते एदे च होर इजाफा होने दी मेद कीती जा करदी है। एह खबरां तुस आकाशवाणी परा सुना करदे हो। लोकसभा चुनाएं दे बाकी रौंदे 3 चरणे लई चुनाव प्रचार ने जोर शोरें रफ्तार फगड़ी लैती है। बक्ख बक्ख सियासी पार्टियें दे बड़े नेता थारें थारें अपनी पार्टियें दे मेदवारें दे हक्के च मतदाताएं गी करने लई पूरी ढिल ला करदे न। सूचना ते प्रसारण मंत्री ते बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर होरें अज्ज हिमाचल प्रदेश दे हमीरपुर लोकसभा सीट थमां नामांकन दाखल कीता। उन्दे कन्ने बीजेपी दे सीनियर नेता ते साबका मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद हे। अनुराग ठाकुर होर इस सीट परा उपरोतली 4 बारी जीती चुके दे न ते हुन 5वीं बारी चुनाव लड़ने जा करदे न। शिमला लोकसभा सीट लई बीजेपी दे मेदवार ते मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप होरें भी अज्ज अपनी नामजदगी आले कागज पत्र दाखल कीते। अज्ज गै इस सीट लई कांग्रेस दे मेदवार विनोद सुल्तानपुरी होरें अपना नामांकन दाखल कीता। प्रधानमंत्री ते बीजेपी दे सीनियर लीडर नरेन्द्र मोदी होरें कांग्रेस पार्टी पर दोष लाया है जे उन्ने कदे भी विकास आली बखी ध्यान नहीं दिता ते सदा गै अपने वोट जोड़ने लई तुष्टीकरण आली नीति अपनाई रखी।
श्री मोदी होरें आखिया जे ए बीजेपी दियें विकास नीतियें दा नतीजा है जे ओ राज्य जिनेंगी कदे बीमारू जां कसरी राज्य आखिया जंदा हा अज तरक्की करा करदे न। इक अखबार गी दित्ते गेदे इंटरव्यू च उनें आखिया जे बीजेपी सरकार दियें योजनाएं कन्ने गरीबें गी घर मिले, नौजवानें गी मौके मिले ते महिलाएं दा सशक्तिकरण होआ है। श्री मोदी होरें आखिया जे अज बीजेपी मुल्खे दा समर्थन हासल है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अज दसवीं ते बारहवीं जमात दे नतीजे घोषित करी दित्ते न। CBSE ने इक बयान च आखिया है जे बारहवीं जमात च कुल 87.98% बच्चे पास होए न। पिछले बरे दे मुकाबले च एह नतीजे 0.65% मते न। 24,000 कोला मते विद्यार्थियें 95% कोला मते नंबर लैते न ते 1,16,000 कोला मते बच्चे 90% कोला मते नंबर हासल कीते न। कुड़ियें दे पास होने दी फीसद मुड़ें दे मकाबले 6.4% मती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें केन्द्री माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE दे बारहवीं जमात दे इम्तिहान च रिजल्ट आने पर विद्यार्थियें गी मुबारकबाद दित्ती है। अखीर च खास खबरां इक बारी परतियै सुनी लो। लोकसभा चुनाएं दे चौथे चरण लई मतदान संपन्न। इस गेड़ लई वक्ख-वक्ख हलकें च दरम्याने दर्जे दा मतदान होआ। संझा 5 बजे तकर कुल मिलाइयै 62% दा मतदान होने दी जानकारी सामने आई। लोकसभा चुनाएं दे बकाया गेड़ लई चुनाव प्रचार च सरगर्मी आई। केंद्रीय मंत्री ते भारतीय जनता पार्टी दे लीडर अनुराग सिंह ठाकुर होरें अज हिमाचल प्रदेश च हमीरपुर संसदीय हलके थमां अपना नामांकन दाखल कीता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें कांग्रेस उप्पर दोष लाया जे उन्हें कदी भी विकास आली बखी ध्यान नहीं दिता ते सदा गै अपने वोट जोड़ने लई तुष्टीकरण आली नीति अपनाई रखी। एदे कन्ने गै खबरें दा ए बुलेटिन समाप्त होआ।